आपकी कार चलता फिरता बॉम्ब हो सकती है, ये अपनी कार में बिल्कुल मत रखना। इसी गर्मी में आपकी कार में आग तक लग जाती है। ये जो रेन वाइजर है ना, इसका बड़ा काम होता है यार। सफर के दौरान आपको हवा नहीं डलवानी है, और टैंक भी जब गर्म हो जाता है ना तो उसमें भी गैस फॉर्म होती है भाई। हीट स्ट्रोक होगा, वहीं गिर पड़ोगे। बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया, और आज का वीडियो हर किसी के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इन दिनों गर्मियां पड़ रही है और बड़ी ही तगड़ी गर्मी पड़ रही है। लगभग 45-46 का टेम्परेचर जा रहा है और ये अभी बढ़ने ही वाला है। लेकिन इन सब के बीच किन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें और सुरक्षित रहे, क्योंकि आपकी कार चलता फिरता बॉम्ब हो सकती है। और ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही ये वीडियो भैया सेव कर लो, और जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ ना उनको दिमाग में बैठा लेना। तो चलिए, मैं कुछ यहाँ पहले प्रोडक्ट्स रखा हूँ, पहले उनके बारे में बताता हूँ कि भाई ये अपनी कार में बिल्कुल मत रखना। जैसे लाइटर आप अपनी कार में छोड़ के चले जाते हो ना, कार आपकी बंद रहती है, ये ब्लास्ट हो जाता है। कोई भी परफ्यूम, कुछ कोई भी ऐसा ज्वलनशील चीज़ जो होती है ना, वो अगर आपके कार में है और जब कार बंद रहती है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये धमाका कर सकती है। और अगर जब धमाका करेगी तो भाई अगल बगल नुकसान भी पहुंचा देगी। और कई बार क्या होता है ना, इसी गर्मी में आपकी कार में आग तक लग जाती है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये डीओ और परफ्यूम, ये भी अपनी कार में इन गर्मियों में मत छोड़ना, ये भी ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी गैस होते हैं, इन्फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। ये भी एक चीज़ आप अवॉइड करना रखने के लिए। और दूसरा, पावर बैंक, ये जो हम लोग अक्सर चार्ज करते हैं और लेके चलते हैं और कार में छोड़ देते हैं, अंदर ग्लव बॉक्स में डाल देते हैं, आर्मरेस्ट पे रख देते हैं, ये सब मत करना भाई, ये भी ब्लास्ट होता है। और इसका यकीन नहीं मानोगे आप, इतना बड़ा धमाका होता है ना। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जो ये चाहिए तो कैन है, चाहे बॉटल वाला हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको कार में बॉटल छोड़ना नहीं है। कोई भी ऐसा पेयजल जो गैस वाला होता है ना, ये आपको अपनी कार में इन गर्मियों में नहीं छोड़ना है। साथ ही कुछ मैंने ये पॉइंटर्स भी बनाए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, सबसे पहले एक और आपको बताता हूँ कि भाई जैसे आपकी विंडोज़ है ना, ये जो रेन वाइज़र है ना, इसका बड़ा काम होता है यार। इसको बोलते हैं रेन वाइज़र, बारिश में बचने के लिए, सर्दियों में भाप से भी बचाता है, और गर्मियों में अगर आप अपनी विंडो को थोड़ा सा खोल दोगे ना, क्योंकि कार एयर टाइट होती है तो अंदर ना पूरा एकदम घुटन सी होने लगती है, तो इसलिए इसको आप खुला रखोगे तो जो अंदर अगर कुछ गलती से आपने कार में छोड़ भी दिया है ना, तो वो रह जाए, क्योंकि एयर सर्कुलेशन होता रहेगा। जब विंडो पूरी बंद रहती है तो एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। और ये जो रेन वाइज़र है ना, ये आपको इतना फ़ायदेमंद इसलिए होता है, रुको मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये आप ज़रा सा खोल दो तो इससे क्या होगा मालूम, ये ऐसा लगा रहेगा इसमें धूल नहीं आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गर्मियों में आधी भी चलने लगती है तो बाहर से धूल वाली चीज़ भी नहीं आएगी, ये थोड़ा सा खुला रहेगा, अंदर की गर्म हवा निकलती भी रहेगी। कई ऐसे सीरीज भी आती है जो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, फ़ैन जैसे होते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल भैया इसको थोड़ा सा ओपन कर दोगे तो आपका सर्कुलेशन कार का बना रहेगा। एटलीस्ट दो विंडो का ज़रूर ओपन करना, चाहे तो क्रॉस में करना, ये ड्राइवर साइड वहाँ पीछे वाला, या इसको, या पैसेंजर साइड फ्रंट साइड में, क्रॉस ऐसी एयर होती रहेगी ना, तो आपकी कार में एक टेम्परेचर भी कम रहेगा और अंदर कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ क्या है, बहुत से लोग एक गड़बड़ी करते हैं भाई, दो मिनट के लिए इस गर्मी में कहीं रुकते हैं, या तो बच्चे बैठे रहते हैं या अपने पेट्स को कहीं ले जाते रहते हैं, वो कार में छोड़ के चले जाते हैं। भाई ये गलती इस गर्मी में मत करना, क्योंकि जो जब सर्कुलेशन नहीं होता है और कार पूरी तरह से बंद रहती है ना, तो भैया ऑक्सीजन पूरी मर जाती है, और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये ज़रूर इस गर्मी में आप ध्यान रखना कि कार में पेट्स, बच्चे या कोई इंसान भी, कार ऐसा ना हो कि आप लॉक करके छोड़ के चले जाओ, ये ज़रूर ध्यान रखना भाई। इसके अलावा एक और चीज़ है कि भैया टायर में हवा, ये टायर है ना, इसमें हवा, जो रेकमेंडेड हवा होती है उसी को भरवाएं। नॉर्मल एयर मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है, जो मिल जाती है भैया डलवा लो, लेकिन रेकमेंडेड, ये कहाँ लिखा होता है, मेजरली गाड़ियों के यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा है फ्रंट रेयर में, चारों में आप यहाँ पर 33 PSI, यानी 33 पॉइंट आपको हवा रखनी है। आप उतनी हवा रखो, और टायर में ना तो बहुत ज़्यादा रखो ना तो बहुत कम रखो। एक चीज़ और मैं बता दूं जो आपको कोई नहीं बताता होगा,
चलते ट्रैवलिंग में अपने किसी टूर में हवा मत डलवाना। आप जब हवा डलवाते हो ना तो टूर से या तो पहले, वो भी एक दिन पहले डलवाना, क्योंकि क्या होता है जैसे आप चलते वक्त चलने से पहले टूर में हवा डलवा लेते हो, पंच कर देते हैं कई बार। देखो पेट्स, में बोला ना पेट्स मत रखना, देखो ये प्यारा सा आ गया, इसको छोड़ के अंदर मत जाना थोड़ी देर के लिए भी। तो आपको क्या होता है कि जब हवा भरते हैं तो जो उसका वाल रहता है कई बार वाल लीक हो जाता है, और आप सफ़र पे निकल रहे हो, किसी टूर पे निकल रहे हो, और आपके रास्ते में आपको परेशान होना पड़ता है, आपकी हवा लीक होती रहती है। इसीलिए एक दिन पहले हवा आप अपना चेक करवा लो, अगर निकलनी होगी तो पहले पता चल जाएगा, टूर में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना पड़ेगा। और टूर के दौरान मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी में आजकल ज़्यादातर हाईवेज़ एक्सप्रेसवेज़ है, तो भैया क्या होता है हवा अगर टायरों में बढ़ती है, जब आप सीमेंटेड रोड पे चलते हो ना तो हवा बढ़ती है, तो इसलिए उस बीच में अगर आपको आप डलवाओगे ना तो आपको सही PSI नहीं पता चलेगा, कितना प्रेशर है, कितना हवा आपने डलवाया है, वो सही वॉल्यूम आपको नहीं पता चलेगा। तो सफ़र के दौरान आपको हवा नहीं डलवानी है। एक और लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, टैंक में तेल भी डलवा रहे हो ना तो शाम के टाइम डलवाओ, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, उस वक्त ये चीज़ आप करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जो ये भी ज्वलनशील चीज़ होती है, इनफ्लेमेबल होता है, और टैंक भी जब गर्म हो जाता है ना तो उसमें भी गैस फॉर्म होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि भैया जब हम इसमें फ्यूल डलवाएंगे, चाहे डीजल या पेट्रोल जो भी आपकी कार है वो जब आप डलवाएं तो भाई शाम के टाइम डलवाएं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि टैंक पूरा फुल ना करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा यार आप लोगों के लिए लेके आना चाहिए इस गर्मियों में, क्योंकि हर कोई इस गर्मी से परेशान है। देख रहे हो मैं भी अभी शूट कर रहा हूँ, पूरा गर्मी में पसीने ही पसीने हो रहे हैं। और हाँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वाटर बॉटल्स कैरी करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अगर फैमिली में बच्चे और इन लोगों को भी कैरी कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, क्योंकि पहाड़ों पर अगर आप जाते हैं ना जहाँ टेम्परेचर स्विच होता है वो ज़रूर ध्यान रखें। और AC भी अगर आप कार का ऑन रखे हैं और आप उतर रहे हैं कहीं दोपहर के टाइम में, तो भैया ये ज़रूर ध्यान में रखना कि थोड़ी देर पहले AC का फ़ैन एकदम कम कर दो। और टेम्परेचर जो है ये मत सोचो कि 18 पे मैंने चला लिया एकदम मस्त चिल्ड कर लिया, लेकिन बाहर उतरा 45 डिग्री, भाई हीट स्ट्रोक होगा, वहीं गिर पड़ोगे। तो इसलिए उतरने से पहले टेम्परेचर कोशिश करें कि 24-25 पे AC चलाएं ना गर्मी में, भाई आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। और जहाँ उतरें आप जब, तो एयर फ्लो जो सर्कुलेशन होता है ना उसको कम कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपको हीट स्ट्रोक वाली जो चीज़ है वो नहीं होगी। तो ये थी वो सारी चीज़ें काम की भाई, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स भी आपको डेमो के तौर पे दिखा दिया कि भैया ये चीज़ आप रखो, ये चीज़ मत रखो, और गर्मियों में तो भाई ये सारी चीज़ अवॉइड करो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लगी, अभी ऐसे में पढ़ रहा था कई मिनिस्ट्री की एडवाइजरी जारी हुई है भाई, उसमें मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आया कि ये चीज़ मिनिस्ट्री ने जारी किया है और ये चीज़ आप अपने घर में करिए और ये अपनी कार में दें। तो मुझे लगा यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए, और हर आदमी इस गर्मी से जूझ रहा है तो आपके लिए काम का हो सकता है ये वीडियो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और कौन सी ऐसी गलती है जो आप अक्सर कर देते हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पानी पीते रहो, जय हिंद।